दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दुबई में मजदूरों पर होने वाले जुल्मों के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कैसे कड़ी धूप में लेबर काम कर रहे, वो भी चंद पैसों के लिए। सऊदी में आके फंस गए का है, मारता भी है और काम भी कराता है। आप लोगों में बहुत से लोगों ने दुबई की वायरल वीडियोस देखे होंगे, जिसमें लोग पीएम मोदी जी से मदद मांगते हैं कि हमें दुबई से निकाल लीजिए। और यहाँ खाने होने के लिए, पगार के लिए भी बहुत तकलीफ है साहब, हमको किसी तरह मंगा लीजिए इंडिया। यहाँ के शेख पासपोर्ट जमा कर लिए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। वैसे थोड़ा सुषमा स्वराज के पास पहुँचाइए, मैं 3 साल से इधर सऊदी अरब में फंसा हूँ। दोस्तों दुबई के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, जो कि न सिर्फ अपनी लग्जरी लाइफ और अल्ट्रा मॉडर्न वास्तुकला के लिए जाना जाता है, बल्कि इस दुनिया में आधुनिकता की एक मिसाल भी है। यहाँ आपको हर जगह ऊंचे टावर्स और ऊंची ऊंची इमारतें देखने को मिलेगी। साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में ही है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दुबई की चमक दमक और उम्दा लाइफस्टाइल आपको निश्चित ही इसकी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। आज भी दुनिया भर के हजारों लोग दुबई घूमने और काम करने जाते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ और भी कई अन्य देशों के लोग यहाँ मजदूरी करने जाते हैं, और इसे इतना सुंदर बनाने में विदेशी मजदूरों का ही हाथ है, जो कि यहाँ किसी न किसी वजह से फंसे हुए हैं। लेकिन क्या आप सब जानते हैं दुबई में मजदूरों का जीवन कैसा होता है और उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? अगर नहीं तो प्रजापति न्यूज की इस वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम आपको यही बताने वाले हैं। शायद ही आप सभी जानते हो कि दुबई में मजदूरी करना बिल्कुल गुलामी की तरह होता है, क्योंकि दुबई में इन मजदूरों का अपना कोई वजूद नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि इन मजदूरों के अफसर लोग हमेशा चिल्लाते रहते हैं और ये उन अफसरों के सामने किसी अपराधियों की तरह दिखाई देते हैं। और अगर आप इनकी तरफ देखेंगे भी तो भी ये मजदूर आपको नहीं देखेंगे, क्योंकि इन्हें अपने मालिकों द्वारा आपको न देखने का प्रशिक्षण दिया जाता है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि दुबई का एक मंत्र है, शेख ने शहर बनवाया, शेख ने शहर बनवाया। लेकिन मजदूर कैसे मजदूर? दुबई का एक बहुत ही अमानवीय चेहरा है, जो कि इसे बनाने वाले मजदूरों के दुखी और परेशान चेहरों से झलकता है। आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इन मजदूरों की स्थिति कितनी दयनीय है। हर शाम दुबई में काम करने वाले इन लाखों विदेशी मजदूरों उनके निर्माण स्थल में बसों, ट्रकों में भरकर एक बड़े कॉन्क्रीट के जंगल में पहुंचाए जाते हैं, जो कि मुख्य शहर से 1 घंटे की दूरी पर है। यहाँ इन मजदूरों को मुर्गियों के रहने वाले कमरों में भेड़ बकरियों की तरह भर दिया जाता है। और क्या आप सब जानते हैं, इन गंदी और बदबूदार इमारतों में लगभग 3 लाख लोगों को रखा जाता है। रेगिस्तानी गर्मी के कारण इन मजदूरों को शरीर से बहुत ही बदबूदार पसीना निकलता रहता है। अब मैं आपको जो बताऊंगा उससे आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि यहाँ मजदूरों का शोषण भी किया जाता है और 55 डिग्री से भी अधिक गर्मी में काम करने के बावजूद उन्हें उनकी पूरी मजदूरी नहीं मिलती। दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि इन मजदूरों को अन्य देशों से ज्यादा पैसों की लालच देकर यहाँ लाया जाता है और फिर उनसे अमानवीय व्यवहार किया जाता है। जितने पैसों का लालच देकर इन मजदूरों को यहाँ लाया जाता है, उसका आधा भी उन्हें नहीं दिया जाता। इन मजदूरों का वर्क वीजा बनवाया जाता है और इस वीजा के खर्च की रकम दुबई की ही कंपनी भरती है, जो कि 2 लाख से भी ज्यादा होती है। एक बार जैसे ही मजदूर यहाँ पहुंच जाता है तो एयरपोर्ट पर ही उनका वीजा छीन लिया जाता है और यहीं से उन मजदूरों की नर्क यात्रा शुरू हो जाती है। मजबूरी के चलते ये मजदूर पैसे कमाने की जद में अपने परिवार और बाल बच्चों को छोड़कर तो आ जाते हैं, पर दोबारा कभी वापस नहीं लौट पाते। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वीजा की रकम इतनी ज्यादा होती है कि वो इस रकम को कभी चुका ही नहीं पाते और सदैव के लिए यहाँ फंस जाते हैं। कई बार बहुत से मजदूरों ने अपने मालिकों से कहा कि मेरा वीजा आपके पास है और मेरे पास टिकट के पैसे भी नहीं है, तो उन्हें वहां से ये कहकर भगा दिया जाता है कि बेहतर है तुम अपने काम पर वापस जाओ। अब अगर आप सोच रहे हैं कि दुबई में कानून व्यवस्था अच्छी है और यहाँ पर हर किसी को न्याय मिलता है, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि इन मजदूरों की बात यहाँ की अदालतें भी नहीं सुनती और शिकायत करने वालों को मारा पीटा जाता है, उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। दोस्तों आपको जानकर ताज्जुब होगा कि दुबई के लोग इतने निर्दयी होते हैं कि वो इन मजदूरों को पीने का सही पानी भी नहीं देते और उन्हें जो पानी मिलता है वो खारा और बदबूदार होता है। यहाँ मजदूरों का शोषण कुछ इस प्रकार होता है कि वो कुछ कह भी ना पाए। इन मजदूरों से इनके वेतन से कई ज्यादा काम लिया जाता है और इनसे बड़े बड़े ईंटों और सीमेंट के ब्लॉक्स को भीषण गर्मी में बहुत ही ऊंची ऊंची जगह पर पहुंचाया जाता है।
वैसे तो दुनिया में दुबई अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, पर दुख की बात यह है कि यहाँ इतनी भीषण गर्मी में भी इन मजदूरों को बिजली उपलब्ध नहीं है। कई लोग तो इस शहर के बारे में कहते हैं यहाँ भोजन पैदा नहीं होता, बल्कि यहाँ सिर्फ तेल और इमारतें पैदा होती है। यहाँ पर हर दूसरे दिन मजदूर आत्महत्या करते रहते हैं, और केवल भारत कॉन्सुलेंट ने साल 2005 में अपने 971 नागरिकों की मौत दर्ज की है। एक बात जानकर आप सहम जाएंगे कि यहाँ आत्महत्या करने वाले मजदूरों की मौत को छिपा दिया जाता है, या फिर उसे हादसा बनाकर पेश किया जाता है, जो दिखाता है कि यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत ही खस्ता है। निर्ममता की हद तो तब हो जाती है जब कोई मजदूर अगर अपने परिवार के साथ यहाँ रहता है तो उसकी मौत के बाद उसका कर्ज उसी के परिवार से वसूला जाता है, जो दिखाता है यहाँ के लोग किस प्रकार क्रूर हैं। खैर, ये सिर्फ दुबई के लोगों की करतूतों का नतीजा नहीं, बल्कि यहाँ जिस देश से भी मजदूर आते हैं उनको यहाँ बंदी बनाने से लेकर उन्हीं के देश और दुबई के अधिकारियों की मिलीभगत होती है, जो दिखाता है पैसे ने इंसान को किस हद तक क्रूर बना दिया है। दोस्तों, दुबई के कानून के तहत यहाँ कर्ज लेना मना है, और इसके उल्लंघन पर आपको जेल या जुर्माना भी हो सकता है। मतलब शुरू से ही यहाँ आने वाले मजदूर एक बहुत ही घातक षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, दुबई के एजेंट बहुत से देशों में फैले हुए हैं, जो लोगों की गरीबी और लाचारी का फायदा उठाकर उन्हें पैसों का लालच देकर ले जाते हैं और उनका और उनके परिवार का जीवन तबाह कर देते हैं, जिसका फिलहाल कोई तोड़ नहीं है। इसलिए ध्यान रखें, अगर आपके गांव, शहर और कस्बे के पास कोई अन्य लोगों को दुबई में काम दिलाने की लालच दे तो उसे जरूर सतर्क करें और दुबई के सच से अवगत कराएं, क्योंकि ये न सिर्फ उस व्यक्ति के बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी को बचा सकता है। सच्ची देशभक्ति तो इसी में है कि हम सभी को दुबई में होने वाली क्रूरता का विरोध करना चाहिए। साथ ही ऐसे लोग जो दुबई में काम दिलाने का लालच देते हैं उन्हें पुलिस के हवाले करना चाहिए, क्योंकि इसी से बदलाव हो पाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।